दोस्तों जिस BSNL का मजाक इस बात को लेकर उड़ाया जाता था कि ये 4G या 5G सर्विस यूजर्स को नहीं दे सकता, आज करोड़ों की संख्या में एयरटेल, जियो और VI यूजर्स कहीं ना कहीं BSNL में पोर्ट करा रहे हैं। इसकी वजह है एयरटेल, वोडाफोन और जियो का इन सब का प्लान जो है वो 10-21% रेट में कहीं ना कहीं इजाफा हो गया। इसके साथ ही साथ जो BSNL का प्लान है वो पहले के जैसा ही है। ऐसे में जो BSNL है, जिसका पूरा नाम भारतीय संचार निगम लिमिटेड है, उसकी नेट स्पीड भले ही कम हो लेकिन कहीं ना कहीं जो नेट स्पीड है वो बरकरार रहती है। और सबसे खास बात BSNL की ये है कि जब ये BSNL बना, BSNL की शुरुआत 15 सितंबर 2000 में हुई थी। इस सिम की सबसे खास बात यह है कि ये देश के किसी भी कोने में हो लेकिन कहीं ना कहीं आपको नेटवर्क प्रोवाइड कराएगा। इनका सबसे पहला टारगेट यही रहा था। जब ये कंपनी बनी उसके बाद में जब इनके सिम आए तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक ही टारगेट रखा कि देश के कोने कोने में, जहां पर सड़कें भी ना हो, जंगली इलाकों तक में कहीं ना कहीं आपको BSNL का नेटवर्क आसानी से मिल जाएगा। हालांकि पहले इसके जो टावर थे वो कहीं ना कहीं 2000 के आसपास ही थे लेकिन अब ये 10000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। क्योंकि BSNL को एक चीज पता है कि अगर आपको यूजर्स अपनी तरह अट्रैक्ट करने हैं कहीं ना कहीं इसको अपने प्लान के साथ साथ में और टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करना हुआ है। इसके साथ ही साथ में और भी टावर्स इन्होंने लगाए हैं जिससे कि कहीं ना कहीं यूजर्स भी खुश हैं। ऐसे में BSNL के लिए महंगाई का जो दौर है जिसमें कि तीनों कंपनियों ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं, ये उनके यूजर्स को अपनी तरफ खींचने का कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन मौका है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इसे 4G और 5G सर्विस पर काम करने की जरूरत है क्योंकि ऐसा जरूरी भी है। ऐसे में जो BSNL है इसने ही 14 जनवरी 2005 को अपना ब्रॉडबैंड भी लॉन्च किया था। मतलब इंटरनेट के मामले में BSNL की अलग जगह है, उसने बहुत ज्यादा योगदान भी दिया है। लेकिन BSNL जो है वो इन सब कंपनियों के द्वारा कहीं ना कहीं पीछे ढकेला जा रहा है। हालांकि ये 2009-10 में उसका जो घाटा है वो भी कहीं ना कहीं एक वजह रहा जिसके बाद यूजर्स काफी ज्यादा कम हो गए। अब उसके बाद ही जियो, 2016 में जियो आ गया। उससे पहले 1 महीने, फिर 3 महीने, फिर 6 महीने तक कहीं ना कहीं नेट फ्री में दिया। मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी जिससे कि अपने यूजर्स को बढ़ाया जा सके। ऐसे में जो जियो था वो अपने मार्केट में एकदम पीक पॉइंट पर पहुंच गया और काफी सारे यूजर्स उसके बढ़ गए, करोड़ों में उसके यूजर्स। अब वही जो नेट फ्री दिया गया था उसी को वसूल करने की प्लानिंग कर रही है जियो कंपनी। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जो कंपनियां पहले 30-31 दिन पूरे महीने का प्लान आपको देती थी लेकिन अब वही 28 दिन, 24 दिन, 20 दिन में आ गई है। अब मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ जिसमें कि आप समझ जाओगे कि आखिर 28 दिन क्यों दे रहे हैं। अब अगर ये 12 महीने में 30 दिन का रिचार्ज देते हैं तो साथ ही साथ इनको आपको 12 महीने का ही रिचार्ज कराना पड़ेगा, लेकिन ये 28 दिन का रिचार्ज देते हैं। ऐसे में आप 2 या 3 दिन इनके बचते हैं जो कि 12 महीने में लगभग 24 दिन के आसपास, लगभग 1 महीने के आसपास हो जाते हैं। तो आपको 12 महीने की जगह 13 महीने का रिचार्ज कराना पड़ता है। ऐसे में इनका जो बेनिफिट है वो 1 महीने एक्स्ट्रा हो जाता है। इसके पीछे इन कंपनियों की बहुत ही तगड़ी चालाकी और मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो कि इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देती है। ऐसे में ये जो तीनों कंपनियां, अगर इन्होंने अपने रेट में कमी नहीं की तो देश में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा विरोध भी हो रहा है क्योंकि इतने ज़्यादा कहीं ना कहीं हाई फाई प्लान लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और अगर ये मौका BSNL ने अपने हाथ से जाने नहीं दिया और कहीं ना कहीं अपने सिम को, नेट स्पीड को या फिर 4G 5G पर काम करना शुरू कर दिया या काम कर लिया या ऐसे प्लान ले आया जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यूजर्स उसकी तरफ बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा BSNL के लिए और भारत में दोबारा से कहीं ना कहीं एकदम BSNL का झंडा गढ़ सकता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।